करवालों में नायक एक पढ़ा लिखा किसान है जो कहानी का सूत्रधार भी है। चलिए अब हम करवालो उपन्यास के समरी की ओर बढ़ते हैं। करवालो कर्नाटक के पश्चिमी घाट की तलहटी में एक दूर गांव में स्थित है। अब यहाँ हम देखते हैं तलहटी का अर्थ क्या है। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के नीचे एक पहाड़ी होती है उसे तलहटी कहती है, जिसे अंग्रेजी में फुट हिल भी कहा जाता है। जिस तरह से यह कहानी मानव अस्तित्व के बारे में कई दिलचस्प बातों की पड़ताल करती है, जांच करती है या आमना सामना करती है, जैसे हम आज क्यों जी रहे हैं, आज हम जिस तरह से जी रहे हैं उसका क्या अस्तित्व है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है, क्या होता अगर हमारी प्रगति ने कोई और रास्ता अपनाया होता और होमो सेपियंस से पूरी तरह से अलग हो जाता। हम देखते हैं अभी होमो सेपियंस का मतलब क्या है, कि हमने अपने लिए जो नाम चुना है उसका मतलब है बुद्धिमान इंसान। होमो मानव या मनुष्य के लिए लैटिन शब्द है और सेपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या चतुर। तो हमने जो प्रगति की उससे हम क्या कहलाए, हम बुद्धिमान या चतुर व्यक्ति, चतुर मनुष्य की श्रेणी में आ गए। लेकिन अगर हमारा जीवन का तरीका अलग होता या हम किस ओर प्रगति करते तो हम क्या कहलाते पता नहीं। और आगे प्रश्न आता है, यह विचार आता है कि क्या होता यदि डायनासोर आज भी उन सभी प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए अस्तित्व में रहने में कामयाब होते जिनका उन्होंने सामना किया। अर्थात आज भी अगर डायनासोर होते तो हमारा जीवन कैसा होता। ऐसे कई सवाल हैं जब हम कारवालों उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में या हमारे सामने आते रहते हैं। यह मूलभूत प्रश्न है जो पाषाण युग में, पाषाण अर्थात पत्थर या स्टोन एज के मनुष्य के दिनों से लेकर चार्ल्स डार्विन के दिनों तक और डीएनए तकनीक के इस युग तक आते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग काल में, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके की अलग अलग बातों के आविष्कार हुए और हमारी प्रगति जिस ओर होती जा रही है, हम जिस ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कभी हमने नहीं सोचा कि अगर इससे अलग भी हमारा जीवन होता तो क्या होता। यही सारी बातें इस उपन्यास में हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आगे हम देखते हैं कि कारवालों में जो नायक है वह एक सुशिक्षित किसान है, पढ़ा लिखा किसान है जो कहानी का सूत्रधार भी है, अर्थात कहानी का नरेटर भी है। ग्रामीण जीवन शैली में उनकी गहरी रुचि है, उनको गांव का जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद भी उनकी खेती की असफलताओं और परेशानियों ने, कठिनाइयों ने उन्हें गांव छोड़ने और शहर की ओर जाने के लिए बढ़ावा दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के वैज्ञानिक, अधेड़ अर्थात 40 की उम्र के आसपास के लोगों को अधेड़ कहते हैं, तो ऐसे अधेड़ उम्र के वैज्ञानिक से होती है जिसका नाम है कारवालो। अपनी पहली कुछ बैठकों में, उनकी जो शुरुआती मीटिंग्स होती है, बैठक होती है, उसमें वे उन कठिनाइयों पर चर्चा करते हैं जिनका कारवालों को अपने क्षेत्र में सामना करना पड़ा था। और हम आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें एक और दिलचस्प चरित्र अर्थात कैरेक्टर आता है जो है मंदाना, जो उपन्यास के शुरुआती भाग में आता है। वह एक स्थानीय अर्थात लोकल काउबॉय है और कारवालों के लिए एक तरह का साइड किक है। मंदाना को गांव वाले और कारवालों के दोस्त अच्छा साथी मानते हैं। आगे हम देखते हैं कि नरेटर जो है वह यह देखकर हैरान था कि मंदाना और कारवालो एक वैज्ञानिक और एक शोध सहायक की तरह गहरे संबंध कैसे हो सकते हैं। जो कहानी का नरेटर है वह भी यह देखकर परेशान होता है, हैरान होता है कि मंदाना और कारवालो एक वैज्ञानिक है और एक शोध सहायक की तरह उससे इनके कैसे गहरे संबंध हैं। वह सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन अलग अलग
प्रकृति वाले, स्वभाव वाले, पसंद वाले, एकदम विपरीत योग्यता वाले दो व्यक्ति आपस में इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनके इतने अच्छे संबंध हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है? एक स्थानीय चरवाहे में एक वैज्ञानिक को ऐसा क्या खास लगता है जिससे वे दोनों इतने करीब आ जाते हैं? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कथावाचक को वैज्ञानिक से अपने काम में मंदाना की महत्व के बारे में स्पष्टीकरण मिलता है कि वैज्ञानिक के लिए मंदाना क्यों महत्वपूर्ण है, हमें आगे स्टेप बाय स्टेप जब हम कहानी पढ़ते जाते हैं तो पता लगता है। मंदाना को भले ही सभी ने गूंगा अर्थात बेकार आदमी करार दे दिया हो, लेकिन उसके पास भी कुछ अनोखे कौशल हैं, उसके पास भी कुछ अनोखे स्किल्स हैं जो उन्हें एक विशेष व्यक्ति बनाते हैं। मंदाना का अवलोकन कौशल अर्थात किसी भी चीज को देखने की जो उसकी कला है, जो स्किल है, वह चीज है जिसने कारवालों को उनके शोध कार्य में मदद करने के लिए एक व्यक्ति के रूप में चुना, और यही वह कारण है कि कारवालों जैसा वैज्ञानिक और मंदाना जैसा काउबॉय दोनों एकदम घनिष्ठ मित्र बन गए। मंदाना विभिन्न प्राणियों की पहचान करने में बहुत अच्छे हैं। एक दिन कारवालों ने बताया कि उसके साथी छात्र अर्थात मंदाना ने जंगल में एक लुप्त प्राय सरीसृप देखा, अर्थात हम देखेंगे लुप्त प्राय मतलब जो गायब होते जा रहे हैं, और सरीसृप का मतलब है जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट आदि कछुए, इस तरह जो होते हैं उन्हें सरीसृप कहा जाता है। तो उसने देखा, और उसने यह भी देखा कि एक उड़ने वाली छिपकली भी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने के लिए पंख जैसा अंग खोलती है। करवालो अब इस जीव को खोजने के मिशन पर लग गए हैं। अब नरेटर को अपनी टीम में शामिल होने के लिए वे कहते हैं, जिसमें पहले से ही स्वयं वैज्ञानिक, उनके साथी छात्र मंदाना, एक कैमरामैन और एक महिला रसोईया भी शामिल है। रसोईया अर्थात खाना बनाने वाली महिला भी उनकी टीम में शामिल है। अब हम देखते हैं लुप्त प्राय शब्द का अर्थ है जो जीवों की आबादी जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उड़ने वाली छिपकली को खोजने की उनकी यात्रा इस उपन्यास की कहानी है। तो हम देखते हैं कि यह जो उपन्यास है इसकी कहानी है कि ये जो लुप्त प्राय होती जा रही जो छिपकली है जो उड़ने के लिए अपने पंख जैसा अंग खोलती है, वह धीरे धीरे इस धरती से गायब होती जा रही है। उनके मिशन में होने वाली चर्चाओं और खुलासों की श्रृंखला कहानी को एक गहरा दार्शनिक अर्थात फिलोसॉफिकल एंगल देती है। क्या उन्हें उड़ने वाली छिपकली मिलती है? कहानी आगे आगे पढ़ते जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जब हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इस कहानी में क्या लेखक को या नरेटर को या कारवालो जो है उसको वह छिपकली मिलती है, लेकिन कहानी का उद्देश्य छिपकली नहीं है। हम देखते हैं कि ये जैसे सवाल कोई महत्व नहीं रखते कि छिपकली मिली या नहीं, क्योंकि जब हम पाते हैं कि ये छिपकली नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, अर्थात छिपकली की खोज करते करते या जो लुप्त प्राय होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है जो प्रजाति, उसकी खोज करते करते वे जीवन की सच्चाई का भी सामना करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस उपन्यास में जो कैरेक्टर्स हैं ये आपस में जो गंभीर चर्चा करते हैं और बहुत दिलचस्प लगती है। एक अध्याय में ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करते हैं कि भगवान है या नहीं है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वे उगते सूरज, सितारों और प्रकृति के चमत्कारों के बारे में सोचता है और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में लेता है कि यह जो कुछ भी है इस धरती पर यह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है और भगवान के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है यह उसका प्रमाण है। लेकिन हम देखते हैं कि विडंबना अर्थात आयरनी यह है कि ये वही उदाहरण है जो एक नास्तिक व्यक्ति जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता है वह यह सोचने पर मजबूर कर देता है
कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है और ये सब चीजें अपने आप काम करती हैं। ये प्रकृति का नियम है, उसकी वजह से सूरज उगता है, सितारे चमकते हैं, प्रकृति के चमत्कार होते हैं, यह सब प्राकृतिक है, इसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। अंत में हमें विश्वास करना होगा कि यह जो उदाहरण है, जो सत्य है, और हम उदाहरणों से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह सब मिथ है। क्या शानदार सोच है। हाँ, इस उपन्यास में ऐसी बहुत सी चर्चाएं देखने को मिलती हैं जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में एक बिल्कुल नया विचार दे सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रकृति के चमत्कारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कुछ लोग इसे ईश्वर कह सकते हैं, कुछ के लिए यह एक सादा विद्यमान दुनिया है, और पाठकगण इसे जिस तरह की सोच रखते हैं वैसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह सार्वभौमिक प्रश्न के बारे में हमें सोचने के लिए यह उपन्यास, इसकी घटनाएं, इसकी चर्चाएं हमें प्रेरित करती है। इस तरह हम देखते हैं कि इस उपन्यास की समरी यहाँ पूरी होती है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यह उपन्यास इस कहानी के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, कि हमें इस तरह के साहित्य को पढ़ना चाहिए जो हमारे विचार शक्ति को अधिक मजबूत करती है, हमें कुछ विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। और यही इस उपन्यास की विशेषता है कि सबके अपने अपने विचार हैं और सभी अपने विचारों पर दृढ़ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह के अन्य विचारों को सुनने से, समझने से हमें अपने विचारों को अधिक दृढ़ता देने में सहायता मिलती है। आगे हम यह भी देखते हैं कि हमारे पसंदीदा लेखक, जो कहानी कहने की कला में भी उतने ही माहिर हैं जितनी सुंदर, रोचक, प्रेरक कहानियां वे लिखते हैं, इस पुस्तक में पाठकों को एक साहसिक यात्रा को ले जाती हैं। लेखक को आधुनिक विश्व का संत कहा जाता है। यह पुस्तक उनके देखे गए शानदार मलनाड क्षेत्र की एक अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करती है जो हमारी आंखों के ठीक सामने दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम उन दृश्यों को स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने जंगल की वनस्पतियों, पेड़ पौधों, जीवों, उनके विस्तृत क्षेत्र, उस क्षेत्र की जीवन शैली और उसकी बाधाओं के बारे में हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। मंदाना का विवाह, करवालो नाम के एक कीट विज्ञानी, एंटमोलॉजिस्ट फोटोग्राफर प्रभाकर और बिरयानी करियप्पा जैसे पात्रों का निर्माण किया, लेखक, कथाकार, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने, अवेयरनेस फैलाने के लिए और ज्ञान को फैलाने के लिए फैसला किया, जिसे उन्होंने खुद अपने अध्ययन के माध्यम से सारी सामग्री इकट्ठी की। उड़ती हुई छिपकली की खोज का दिलचस्प प्रसंग जो हमें रोमांचित करने के लिए काफ़ी है। यह किताब हास्य को काफ़ी प्रमुखता देती है, वर्णन के कई परिदृश्यों में पाठकों को हंसाती है। मदनन्ना का विवाह मामला, बिरयानी करियप्पन का शिकार प्रकरण, शिकार करने और कुछ भी और सब कुछ खाने की उसकी प्रवृत्ति, नौकर प्यारा की मंदबुद्धि, स्थानीय अपवित्रता आदि। उदाहरण के लिए, जिस तरह से सुबह सुबह मदनन्ना के घर सुअर का मांस पकाने के लिए ले जाए जा रहे सुअरों की आवाज सुनकर प्यारा डांटता है, कई बार इसे याद करने पर अकेले में भी हंसी आ जाती है। प्रकृति और मलनाड क्षेत्र पर लेखक की विशेषज्ञता यहाँ शानदार ढंग से व्यक्त हुई है। जिस तरह से उन्होंने चीजों को समझाया है, उससे जिज्ञासा पैदा होना स्वाभाविक है। 8 साल में एक बार गुर्गी हल्ला में प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में शहद संग्रह, मधुमक्खी पालन के विभिन्न तरीकों, लकड़ी के काम, सेना के कीड़ों, माऊ माऊ मधुमक्खियाँ जो बिना उकसावे के काटती हैं, एक क्षेत्रीय पक्षी की जीवन शैली जिसमें नर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसले में मादा द्वारा अंडे
सेते हैं पक्षी और नर पक्षी मादा के लिए भोजन लाते हैं। यदि नर पक्षी वापस नहीं आता है तो वे घोंसले में ही मर जाती है। चमक वाले कीड़े इसके कुछ उदाहरण हैं। वह हमें यह बताकर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमने जो देखा है उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को है। जिज्ञासा ही आत्मज्ञान का मार्ग है, इस सिद्धांत का लेखक इस पुस्तक में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पुस्तक स्वयं लेखक की जिज्ञासा का परिणाम है। वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए जिज्ञासा को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी का सारांश यहाँ पर पूरा होता है, समरी पूरी होती है। और मुझे आशा है आपको यह पाठ्य सामग्री जरूर इस उपन्यास को, नॉवल को समझने में सहायता करेगी।